अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं अपना टॉपिक मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट उसे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब मेरे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, जो कि इक्वल इक्वेशन वन है, वाई ट्रिपल बार नेगेटिव थ्री वाई थ्री इंटू वाई डबल बार प्लस थ्री y बार नेगेटिव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू ई की पावर x, ठीक है। इसको हम टू पार्ट्स में डेफिनेटली सेपरेट करेंगे, जैसा कि वाई सी है। वाई सी हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेट y इज इक्वल्स टू ई की पावर एम एक्स इज अ सोल्यूशन, देन इट वुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, नाउ वी आर टेकिंग ऑक्सिलरी और करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड देन वी आर फाइंडिंग रूट्स, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है, दैट मीन्स इसके थ्री रूट्स फाइंड होंगे। तो हम फर्स्टली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने m इज इक्वल्स टू वन लिया, जो कि इक्वल्स टू ज़ीरो है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, यानी जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे गिवन है, वन कोफिशिएंट लिया है, नेगेटिव थ्री थ्री नेगेटिव वन, ठीक है। ये हमारे पास वन रूट है, वन सेम आया, वन इंटू वन वन, नेगेटिव टू वन इंटू नेगेटिव टू नेगेटिव टू एंड देन वन, वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वन एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को एम स्क्वायर नेगेटिव टू एम प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देन मेरे पास क्या आएंगे, अगेन रूट्स सेम आ रहे हैं, ठीक है, यानी मेरे तीनों रूट्स सेम आ चुके हैं, यानी y1, y2, y3, ठीक है, दैट आर सेम। तो मैं कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख दूँगी, ठीक है। देन मैं क्या करूँगी, अब मैं मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया है, अब देन फर्दर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए चलती हूँ, जैसा कि मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, अच्छा हम लोग यहाँ पे कोफिशेंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है, टू एक्स, इसका यानी नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स एंड देन एक्स का क्या होता है वन, ठीक है। ई एक्स डेफिनेटली सेम रहता है, बट हमारे पास ये नेगेटिव, हमारे पास रूट में गिवन है, एक्स इंटू ई एक्स भी गिवन है, तो हम एक्स से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स भी गिवन है, देन हम फर्दर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये कुछ डिफरेंट आंसर आ गए हैं, जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का नाम देंगे, जिसे हम फर्दर अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस डी इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। देन फर्दर हम उसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्टली तो हम वाई बार ले लिया, ठीक है, देन फर्दर हमने उसका वाई डबल बार लिया है, देन इसके बाद क्या किया, वाई ट्रिपल बार लिया। इस तरह हमारे पास तीनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन इक्वेशन वन, क्यों कर रहे हैं हम इक्वेशन वन में पुट, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ चाहिए, जो कि हमारे पास ए बी एंड सी, ठीक है। फर्दर हमने पुट किया है वाई क्यूब नेगेटिव थ्री वाई डबल बार प्लस थ्री वाई बार नेगेटिव वाई, ठीक है। देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन एंड कैंसिलेशन, ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा, सिक्सटी इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड देन दीज आर आवर आंसर। अच्छा, e की पावर x 60 जो है हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो d हमारे पास आ गया 5 ओवर 6, ठीक है, नेगेटिव 6a प्लस 3b नेगेटिव c किसके इक्वल हुआ, इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे कांस्टेंट कोई मौजूद नहीं है, इसके इक्वेट नहीं कर सकते, देन इसको हमने फर्दर, ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, फिर हमने इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इस तरह फाइंड कर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन वी एड कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसकी वजह मदद से मेरे पास तमाम आंसर्स आ चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट
वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।